वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सोनम। दोस्तों, सिंपल सवाल, क्या आयुष्मान खुराना एक बड़ा बिग ग्रैंड कमबैक करेंगे या नहीं कर पाएंगे या नहीं विद एन एक्शन हीरो जो उनका अगला फिल्म है जो इस फ्राइडे रिलीज होगा, क्या बॉक्स ऑफिस पर धूम धमाका मचाएगा कि नहीं ये फिल्म? और मचाना अनिवार्य है आयुष्मान खुराना के लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे उनका जो प्रीवियस रिलीजेस है, चाहे चंडीगढ़ करे आशिकी हो या फिर अनेक हो या फिर डॉक्टर जी हो, कुछ ज्यादा कुछ धूम धमाका नहीं मचा पाया, यू नो, बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा बड़ा कलेक्शन नहीं कर पाया। तो अगर आप कंपेयर करोगे आयुष्मान का जो प्रीवियस रिलीजेस है, जो पैंडेमिक के पहले आता था, वो तो मतलब यार 100 करोड़ क्लब में आ जाता था आराम से, और मतलब बड़ा ओपनिंग भी लेता था, लोग कचाकच भर भर के भाग भाग के दौड़ दौड़ के आते थे थिएटर में आयुष्मान खुराना का फिल्म देखने के लिए। तो पैंडेमिक के बाद वो हुआ नहीं है, आयुष्मान के फिल्म्स के लिए वो पर्टिकुलर रिस्पांस मिला नहीं है। तो मैं तो चाहूंगा कि एक अच्छा रिस्पांस आए आयुष्मान खुराना के लिए, एक बड़ा बिग डबल डिजिट वाला ओपनिंग मिले एन एक्शन हीरो के लिए, यही मैं चाहूंगा। बट दोस्तों, आपको क्या लगता है, किस तरह का वाइब है, किस तरह का बज है, किस तरह का हाइप है एक्शन हीरो के लिए, एन एक्शन हीरो के लिए, और क्या एन एक्शन हीरो एक बड़ा बिग बॉक्स ऑफिस ओपनिंग ले पाएगा कि नहीं? एंड ऑफ कोर्स द सिंपल क्वेश्चन, द मेन क्वेश्चन, विल आयुष्मान खुराना मेक अ बिग ग्रैंड कमबैक और नॉट विथ एन एक्शन हीरो? आपको जो भी लगता है इसके बारे में लिखकर बताना, एंड ऑफकोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को, एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी है वो भी आप दे सकते हो। चलिए, फॉर द मोमेंट टाटा।